से गुफा इधर आओ इधर आओ। ये देखो दोस्तों ये गुफा कहाँ जा रही है भाई। दोस्तों ये है वो गुप्त गंगा। फाइनली हम उधर जब आप देखेंगे तो वो रण क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ करता था, उस पहाड़ी को रण के नाम से आज भी जाना जाता है। और नीचे ये जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहाने के बाद अब हम चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने और प्रसाद हमने ले लिया। दोस्तों गणेश जी के दर्शन करने के बाद में अब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी अपने आप आता रहता है, यानी कि कभी पानी उसके अंदर बंद ही नहीं होता, सूखता ही नहीं है, ऐसी गंगा जिसको गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, एक ऐसी रोचक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं भाई। एकदम बीहड़ जंगलों से, घने जंगलों से होकर निकलना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा घना जंगल खड़ा है। तो चलिए रास्ते के मज़े लेते हुए हम आपको सीधा लेके चलते हैं उस गुप्त गंगा के पास में, क्या है उसका रहस्य। दोस्तों घने जंगल को पार करके अभी हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर गुप्त गंगा बनी है। आप देख सकते हैं यहां पर एक घर टाइप का भी बना हुआ और इसी के अंदर वो जगह है जहां पर वो पानी कभी भी नहीं सूखता, जितना भी पानी निकालोगे ना उतना ही इसके अंदर तुरंत ही पानी भर जाता है, ऐसी वो जगह जिस जगह पर बनी हुई है। और भाई यहाँ आते ही खुशबू बहुत शानदार आने लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कदम के पेड़ हैं जिनकी खुशबू बहुत जबरदस्त है भाई। आ जाओ फ्रेंड्स, ये है वो गुप्त गंगा, आप देख सकते हैं यार गुप्त गंगा इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ, और ये उसी टाइम की या फ्रेंड बनाई रखी है, जबरदस्त है यार। चलते हैं अंदर अंदर एकदम गंदेरा गुप्त पे और देखते हैं कि है क्या चीज है। तो चलिए चप्पल हम यहीं उतार दें और अब ये आपको अंदर लेके चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है। चल भैया पानी बोतल ले, चल फ्लैशलाइट जला ले, जला लो। आइए दोस्तों, ओ भाई साहब यहाँ आते ही एकदम ठंडा ठंडा तो फील हो रहा है लेकिन घुटन भी हो रही है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन चट्टानों को काट के इस गुप्त गंगा का निर्माण किया है। तो ये सबसे पहले किन को मिली होगी, और यहाँ पर माता जी की मूर्ति लगी हुई है सर, देखो किसी देवता की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। अभी हम बीच गुप्त गंगा के बीच में पहुंचे और यहाँ एकदम अंधेरा गुप्त है भाई, यहाँ पर भी भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है और अभी भी हम गुप्त गंगा के अंदर नहीं पहुंचे और एकदम अंधेरा। ओ भाई साहब गुफा इधर आओ इधर आओ, ये देखो दोस्तों ये गुफा कहाँ जा रही है भाई। फ्रेंड्स ये गुफा कहाँ जा रही है, ओ भाई साहब देखो इतनी गहरी गुफा यार, एकदम अंधेरा गुफा भाई, इसके अंदर ऐसा कोई जानवर वगैरह ना बैठा हो, चीता टाइगर क्योंकि यहाँ तो अभ्यारण्य है भाई। चलो चलो और अंदर ला आपको लेके चलते हैं भाई साहब गुप्त गंगा के पास में। अभी हम पहुंचने वाले, सीढ़ियाँ जा रही है एकदम नीचे तक, एकदम नीचे तक सीढ़ी जा रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये है वो गुप्त गंगा। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिस जगह को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा सा कुंड जैसा बना हुआ है, छोटा सा एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, ये वो जगह है जिसके अंदर पानी कभी भी नहीं सूखता, जितना पानी आप लोगे उतना पानी तुरंत ही इसके अंदर झरना शुरू हो जाता है और ये इतना ही रहता है, इसका लेवल कभी बढ़ता भी नहीं, बरसात के दिनों में नहीं बढ़ता, ना ही गर्मी में सूखता है, ना ही मतलब 12 महीने इसके अंदर पानी रहता है। ये एक सबसे अच्छी जगह इस चीज़ की बनी हुई है और यहाँ पर पानी पीने की जो व्यवस्था है, यहाँ पर जो चरवाहे उस समय होते होंगे, राजा के सैनिक वगैरह जो भी है, उसी टाइम का ये बना हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चट्टानों को इस तरह से चिन के, चट्टानों को काट के, उन लोगों ने ये चीज़ खोजी होगी तब जाके उन लोगों की ये मिली होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है और गर्मी उमस जैसा फील हो रहा है, एकदम बहुत नीचे आ गया हम, कम से कम 30-35 फुट नीचे आ चुके हैं। यहाँ ये गुप्त गंगा बनी हुई है और ये देखिए दोस्तों, ओ भाई साहब इसका पानी एकदम ठंडा चिल्ड है यार, पी सकते हैं क्या पानी इसको। तो ये दोस्तों पानी में भर लेता हूँ, हमारी बोतल वैसे भी खाली हो गई है। तो ये हमने आपको एक ऐसी चीज दिखाई है जो एक रोचक है फ्रेंड्स,
यहाँ पर एक गुप्त गंगा के नाम से जानी जाती है। मैं पानी भर लेता हूँ। दोस्तों वो गुप्त गंगा जा रही है और इसी के पास में यहाँ पर एक दूसरा गेट बना हुआ है। और ये कहाँ जा रहा है ये भी देखते हैं। आ जाओ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, पत्थर की चनाई की गई है, ऊपर पट्टियों से इसकी छत हो रखी है। क्या भाई इसके अंदर चमगादड़ है? चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या है। कहाँ लटक रही है? ओ भाई साहब फ्रेंड्स ये जगह पता नहीं कैसी है यार, एकदम अंधेरा। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। दोस्तों रणथंभौर किले का परकोटा देखिए आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े बड़े पत्थरों से इस परकोटे का निर्माण किया है। और यहाँ पर परकोटे के अंदर ही फ्रेंड्स यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये परकोटा कैसा बना है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये परकोटे के अंदर, ओ भाई साहब फ्रेंड्स ये तो बहुत नीचा है यार। ये है दोस्तों थंब, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छेद दिया गया है, गन पॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ से गर्म पानी गर्म तेल को नीचे उड़ेला जाता है जिससे कि सेना, दुश्मन की जो सेना है वो परेशान हो सके, उनको हानि पहुँच सके, इस तरह के यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और ये देखिए दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेंड्स यहाँ दिखाओ भाई, यहाँ दिखाओ, ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा ये परकोटा यहाँ पर बना हुआ है। और परकोटे के ऊपर ही ये अलग से दीवार बनी हुई है और अभी हम परकोटे के ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सैनिक उस समय खड़े रहते होंगे जो कि यहाँ से देखते होंगे कि नीचे कोई दुश्मन की सेना तो नहीं है, और उनके ऊपर वो अपना गर्म पानी और वो सारी चीज़ें नीचे डालते होंगे। यहाँ पर इधर वाली जो दीवार है वो नीचे गिर चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स बहुत चौड़ा है यार ये जो परकोटा आप देख रहे हैं ना, काफ़ी चौड़ा परकोटा है। और यहाँ से इधर वाला जो सीन है वो स्पष्टली दिखाई देता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा ये दर्रा है, दोनों पहाड़ों के बीच में होकर यहाँ पर पानी जाता है। फ्रेंड्स उधर जब आप देखेंगे तो वो रण क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ करता था, उस पहाड़ी को रण के नाम से आज भी जाना जाता है। और नीचे ये जो दर्रा आपको दिखाई दे रहा है इसको थंब बोलते हैं। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये जो इधर का वाला किला जो बना हुआ है ये भौर पहाड़ी पर बना हुआ है, तीनों को मिलाकर रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर धोखड़ा के पेड़ बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कदम के पेड़ हैं, मतलब सीन तो ज़बरदस्त है यार, चारों तरफ हरियाली हो रही है, बरसात का टाइम है, बहुत शानदार सीन है, आपको इन दिनों में तो ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए दोस्त इधर आओ भाई, ये परकोटा यार इनको बनाया कैसे होगा, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है ये परकोटा बनाया गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थरों से। यार उस समय के आदमी कैसे होंगे जिन्होंने इस परकोटे का निर्माण किया है, कितनी मेहनत लगी होगी, कितने मिस्त्री लगे होंगे तब जाके इस परकोटे का निर्माण किया। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्ती परकोटा बना हुआ, बहुत विशाल परकोटा बना हुआ है। और भाई ये देखिए नीचे, अगर नीचे हम गए ना पैर गलती से फिसला तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाएंगे, एकदम खतरे से खाली नहीं है भाई ये परकोटा। दोस्तों हमने ये वीडियो दिखाई जिसमें गुप्त गंगा को पूरा डिटेल में दिखाया, काफ़ी गहरी गुप्त गंगा बनी हुई है जिसके अंदर पानी कभी सूखता नहीं, आपने खुद ने देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी रहस्यमय लोगों की, ऐसी रहस्यमय चीज़ों की, जगहों की वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर राजा हम्मीर ने अपने सिर काट कर भगवान भोले को अर्पित कर दिया था, वो ऐसी दर्दनाक जगह, ऐसी दर्दनाक घटना, सारा घटना भी सुनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।